हे गाइस, तो आज मैं बहुत ही कमाल की न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो PS5 का इवेंट होना था बुध की रात को 1 बजे, जो कि जुमेरात हो गई 12 बजे के बाद। तो उस इवेंट में हमें ये कंफर्म था कि हमें PS5 की प्राइसेस का पता लगेगा और हमें अपकमिंग गेम्स की डिटेल्स का भी पता लगेगा, कुछ अपडेट्स का भी पता लगेगा। तो वो इवेंट हो चुका है और अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और जो जो लोग मेरी दूसरी वीडियोस का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि Xbox One की प्राइसेस, PS4 की प्राइसेस, गेम्स की प्राइसेस, ये सब वीडियोस का जो इंतज़ार कर रहे हैं, वो वीडियो मैं अभी सुबह जाके बनाऊंगा और आपको जुमे को एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। और मैं ऐसी गैप गैप के साथ, दो दो तीन तीन दिन के गैप के साथ वो वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और अब अपनी मेन वीडियो पे आए कि आप हमें इस इवेंट में क्या क्या पता लगा। तो पहले मैं आपको स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलेस की बात बता दूँ, तो उसका एक गेम प्ले भी इन्होंने रिलीज़ कर दिया छोटा सा, और उसमें वो गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा औसम था। और उसमें हम माइल्स मोरेलेस को दो एक ब्रिज के टुकड़े होते देख रहे हैं और माइल्स मोरेलेस उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही कमाल का उन्होंने एक गेम प्ले उन्होंने दिखाया हमें छोटा सा। और सबसे कमाल की न्यूज़ तो ये निकल कर आई कि स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलेस PS4 पर भी अवेलेबल होगा। ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड बात है, क्योंकि भाई हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था इस चीज़ से, कि क्योंकि हमने तो यही सुना है कि PS5 के जो एक्सक्लूसिव होंगे वो सिर्फ PS5 पर ही आएंगे, ना कि PS4 पर। लेकिन इन्होंने ये बिल्कुल वो अलग बात कर दी, क्योंकि इतनी औसम फीलिंग आ रही है, बता नहीं सकते भाई इस चीज़ के बारे में। और फिर जो मेन, जो सबसे बेहतरीन, जो लास्ट में हमें दिखाई गई चीज़ थी, वो है गॉड ऑफ वॉर 5 का टाइटल, जो हमें 2021 में देखने को मिलेगा। और उसका टाइटल है रैग्नारोक। और वो जो पीछे म्यूज़िक लगा तो कसम से गूज़बम्स आ रहे थे वो सुनकर। और फिर हमें PS5 के नॉर्मल एडिशन और डिजिटल एडिशन की भी प्राइस हमें पता लग गई। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टोनी स्टार्क नाम का एक ट्विटर अकाउंट है जो अपने सोनी के कंसोल से रिलेटेड न्यूज़ देते रहते हैं, और उनकी ऑलमोस्ट सभी न्यूज़ सही साबित होती हैं। तो जैसे ही उन्होंने पहले हमें बताया था कि PS5 नॉर्मल एडिशन और डिजिटल एडिशन की प्राइस क्या होगी, तो पहले तो मुझे शक हो रहा था कि PS5 और Xbox सीरीज एक्स की प्राइस सेम नहीं हो सकती। लेकिन अभी जब प्राइसेस निकल कर आई तो मैं हैरान हो गया भाई, क्योंकि दोनों की प्राइसेस बिल्कुल सेम है। Xbox सीरीज एक्स की भी और PS5 नॉर्मल एडिशन की प्राइस, दोनों की प्राइसेस सेम निकली है। PS5 की प्राइस $499 है और Xbox सीरीज एक्स की प्राइस $499 है। ये बहुत ही अलग बात हो गई है, क्योंकि ऐसा हमने कभी पहले नहीं देखा कि कैसे Xbox और PlayStation की वो सेम प्राइसेस हों, अलग अलग ही रहती हैं। या तो PlayStation की कम रही है प्राइसेस Xbox के मुकाबले में, लेकिन इस बार दोनों की प्राइसेस बिल्कुल सेम रखी गई हैं। और जो डिजिटल एडिशन है उसकी प्राइस $399, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि उसकी प्राइस $299 तो हो ही नहीं सकती, तो ज़्यादा ही होगी। तो उसकी प्राइस $399 इन्होंने ऑफिशियली रिवील कर दी है। और अब ये है कि जो इंडिया की प्राइस थी, जैसे इंडिया में दूसरी प्राइसेस में Xbox सीरीज एक्स एस रिलीज़ होंगे, तो अब पता नहीं PlayStation के साथ ऐसा होता है या नहीं। अगर ऐसा ना हुआ ना, तो फिर Xbox तो कट आउट हो गया भाई इंडिया से। इंडिया में बस अब PlayStation ही चलेगा, क्योंकि 15,000 का गैप आ रहा है, 15,000 या 16,000-17,000 इतने का गैप आ रहा है इनकी प्राइस में, अगर वही प्राइसेस रही जो US में PlayStation 5 की वो उन्होंने ऑफिशियली रिवील की है। और इंडिया में वही प्राइस रही तो फिर बहुत पीछे रह जाएगा Xbox इंडिया में। और पता नहीं पाकिस्तान में क्या प्राइस होगी, ज़्यादातर उम्मीद तो यही है कि US वाली प्राइस ही रहे, क्योंकि अगर इंडिया वाली प्राइस आ गई तो फिर लाख से ऊपर का काम हो जाएगा, और अगर US वाली प्राइस रही तो फिर भी 83,000 या 85,000 या 90,000 तक का आपको Xbox सीरीज एक्स या PS5 आपको मिल जाएगा पाकिस्तान में। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लें। मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।